दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट विंटर ट्रैक्स इन इंडिया, केदार कंथा। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केदार कंथा जाएँ कैसे। सबसे पहले आप देहरादून आइए, फ्लाइट से, रोड से, कैसे भी। देन उसके बाद सांकरी पहुंचना है। आप सांकरी कैसे पहुंचें? सांकरी पहुंचने के लिए बसेस भी चलती हैं और देहरादून से प्राइवेट टैक्सीज, अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो ट्रैवलर भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप किसी कंपनी से आ रहे हैं तो आपको ट्रैवल कंपनीज भी अरेंज करा के देती हैं। फिर आपकी आइटनरी कुछ ऐसी होगी जिसमें पहले दिन आपको सांकरी पहुंचना पड़ेगा, देन उसके बाद जोड़ा का तालाब, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको केदार कंथा बेस कैंप, और उससे ही अगले दिन आपको सर केदार कंथा समिट करना होगा। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशनल पार्ट, अब देखते हैं मेरे साथ क्या हुआ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश ही बारिश हो जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। सांकरी के रास्ते में जब शुरुआत ही ऐसी हो गई तो पता नहीं कैसा जाएगा। ऑल राइट गाइज, हेलो जी, इस टाइम देख रहे हो आप स्नोफॉल। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी। मेरे को लगता है कि हम पूरा ट्रैक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो मैं होम स्टे में जा रहा हूँ, वहीं पे मिलते हैं। मेरी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहा इस टाइम। थोड़ी सांस यहाँ पे कम आ रही है और अभी मैं थोड़ा सा ट्रैक कर रहा हूँ, अभी तक तो पहुँचा नहीं मैं जहाँ पे होम स्टे में पहुँचना है। तो इट्स बीन आई थिंक 9 to 10 आवर जर्नी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, काफ़ी जगह ट्रैफिक भी जमा हुए थे। सो वाइट जर्नी रेस। क्या लगता है राइट क्योंकि आपने बोला है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मौसम जो अब है नॉर्मल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कल के लिए? अभी क्या है, 3 दिन का प्रेडिक्शन है, मतलब था ये बारिश का ना। अच्छा, तो कल, आज और नेक्स्ट, अभी जो टुमारो, ठीक है, तो इन 3 दिन का तो था कि बारिश रहेगी, ठीक है, लेकिन इतना हो जाएगा ये नहीं था। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, देखना कैसा हो रहा है इस टाइम। और इसी वाली प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे थे हम लोग। अच्छा है यहाँ पे अभी, तो चाय वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ करने के बाद निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड हो गई और इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, आई थिंक कि प्रॉपरली हम सबमिट नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। हर किसी ने यही बोला है अभी तक, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दिल टूट जाएगा अगर हमने सबमिट नहीं करा तो। ऑल राइट गाइज, तो हमारा जाना तो कैंसिल हो गया, मतलब बहुत दुख हो रहा है, बट अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अभी ऐसा है कि हम लोकली एक्सप्लोर करेंगे और जूड़ा का तालाब भी नहीं जाने देंगे अभी। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाले जितने भी हैं उन्होंने सब कुछ मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं होगा अब। तो काफ़ी लोग आए हुए थे तो सबका ही लगभग कैंसिल हो रहा है, तो पीक पे नहीं जा पाएंगे। शायद अगर खुल जाता है तो कल शायद जा पाएँ, बट आज के लिए तो कैंसिल हो गया है सब। तो सारे के सारे अभी सब सैड हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। बट होप है कि हम जूड़ा का तालाब, एटलीस्ट जूड़ा का तालाब तक तो चले जाएँ। और अभी भी बारिश पड़ रही है, अभी भी स्नो पड़ रही है पूरा, और सारे ट्रैक सब कुछ जाम हो चुके हैं। तो दैट्स द पॉइंट। तो ये होता है क्योंकि मौसम है, तो हम क्या करें। ऐसा हुआ है मेरे साथ पीछे एक ट्रैक कायम्बे का,
तीन दिन के लिए हम रेफ्यूज में। अच्छा, इनके 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 बारे में बता दें कि ये अमेरिका से आए हुए हैं। अमेरिका से हूँ मगर मैंने बहुत सारे ट्रैक्स की है एंडीज साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर में। तो ऐसा हो गया है तो उसे पॉजिटिव आउटलुक कल के देख लेंगे। आप क्या बोलोगे कैंसिल होने के बाद? कुछ नहीं, यही है कि यही इंजॉय करते हैं। बहुत लोगों को तो यहाँ स्नो नहीं मिलती है, उन लोगों को यही स्नो मिली तो हम लोग यही इंजॉय करते हैं। आप? मेरा नाम गोकुल है, मैं एक्सपीरियंस ट्रैकर हूँ। मैं स्नो के लिए आया था। ये जो है सरकैज़म किंग है, ये चैंडलर बने हुए हैं। मतलब मैं स्नो के लिए बुक किया था, ट्रैक्स ऑलरेडी मिल चुका है, इतना स्नो, सो आई एम ऑलरेडी हैप्पी मैन। बट समय तो चल चुका, तो हम लोग तो सिर्फ, मतलब मैं स्पेशली इसलिए आया था कि ऐसे पीक पे ही जाना है तो नहीं हो पाया, बट अभी लोकली घूमेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। और हमारे साथ सरकैज़म किंग भी हैं। सो ऑलराइट देन, तो अभी हम एक स्मॉल सा मंदिर है यहीं पे सागरी में, वहीं पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी मिलते हैं वहीं पे। बहुत ज़्यादा ऐसे टफ कंडीशंस तो हैं यहाँ पे, अभी तक मेरे पैर गरम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ द टेम्पल, यहाँ पे बताए थे कि मतलब कभी भी आग को बंद नहीं होने देते। सो नाइस, यहाँ पे काफ़ी पीसफुल वाइब्स आ रही हैं। और अब क्या करें, अभी थोड़ा और ट्रैक करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट भी एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं हम, तो वहीं पे मिलते हैं। सोमेश्वर भगवान का मंदिर है और ये शिव जी का एक रूप माना जाता है, रामेश्वर। तो अभी इधर ना पोस्ट, अभी ना इधर एक त्यौहार चलता है पोस्ट का बोलते हैं, साल में एक बार आता है पोस्ट, तो उसका अभी फेस्टिवल चल रहा है, पाँच छः दिन रहता है यहाँ पर वो फेस्टिवल। तो अभी इतना मौसम ख़राब है तो कोई आ नहीं रहा, वरना यहाँ ढोल बजता है, गाने आने चलते हैं, मतलब जो भजन गाते हैं लोग। ऑलराइट देन, तो अब हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली, अब देखते हैं कैसा होगा मार्केट। जब आए थे जब तो एक्सप्लोर इतना नहीं कर रहा था, अब ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फिसलन वगैरह हो जाती है, और जब बर्फ़ थोड़ी हार्ड हो जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा मुड़ के चलना पड़ेगा। ब्लॉगिंग तो बिल्कुल ही ना करें जब ऐसे चल रहे हो, तो प्रॉपर ट्रेल नहीं है अभी। अभी मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सब पीछे, तो 15-20 मिनट का हाइक ही समझ लो, बस इतना ही है। और काफ़ी लोग मिले, काफ़ी स्टोरीज हुई, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने को मिली, अमेरिका से लोग आए हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से। सो गुड फूड वगैरह दिया था, बाकी देखते हैं क्या होता है, बट होपफुली ये है कि कल तो स्टार्ट हो ही जाए, एटलीस्ट जूना के तालाब तक तो हो ही जाए, देखते हैं बाकी क्या होता है। सभी रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ। सो न्यूज इज डेट की हम लोग आज मूवमेंट नहीं कर सकते, इतना मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो अभी यहीं बैठना पड़ेगा आज, ठीक है। बाकी ट्रैवल का देहरादून जाने के लिए भी आज थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर यहाँ से निकलता है तो इतना तेज़ है तो ऊपर भी आगे रोड ब्लॉक हो सकता है, तो बीच में कहीं फंसने से अच्छा है कि अभी यहाँ पे वेट करेगा एंड कल मौसम खुलता है, देन वी विल डिसेंड टू देहरादून। कब से सोचा था कि केदारकंठा करना है स्नो के लिए, तो अभी सब दुखी होके सामने बैठे हैं, ओवर एक्टिंग चालू है सबकी। ऐसे बोलेगा तो हंस पड़ेगा।
वो देखो मजे में चाय भी पी रही है। वैसे हमने बहुत ऐसे रोना नहीं, वैसे नहीं रोना ब्रो, कट कर कट कर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रोना ब्रो, होगा होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला ट्रैक था आज। अच्छा खासा स्नो पड़ रहा है, बड़ा बड़ा स्नोमैन बनाएगा और उसके बाद फिर स्नो फाइट खेलेगा बर्फ में, और किसी को वीडियो बनाना था ना उसको ऐसा बर्फ में फेंकेगा। वो करना है। ओ राजा। और भी ज्यादा स्नो फाइटिंग के लिए जा रहे हैं हम। ट्रैक तो नहीं पाया लेकिन इतना सारा हम मस्ती कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर से भी ज्यादा हमने ट्रैक करा, चढ़ते चले जा रहे हैं, देखो चढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ पर घुटने से भी ऊपर जुड़ा तक के तालाब से उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा स्नो है, तो इसलिए वहाँ तो कैंसिल ही हो गया प्रॉपर। आया प्यार का ये मौसम, राजू मिलन का छेड़े हम, डाल डाल पे फूल खिले, खाली पड़े हैं सावन के झूले, बस दे देख कुड़ी बस रहो दूर यूं ही, बस दे दे एक कुड़ी, फुल ऑन बॉलीवुड फैन है, पास आके तुझसे तो दूर रहा जाए ना। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं हमें ऐसे ही खेलते हुए काफ़ी अच्छा है। अभी हम स्नोमैन बनाएंगे, स्नोमैन की तैयारी चल रही है कुछ कुछ, तो स्नोमैन बनाने के बाद आई थिंक इतने सारे लोग आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहा, 2 डेज हमने ऐसे एक साथ निकाले, बहुत सारे गेम खेले, काफ़ी बाहर से भी लोग आए थे, अमेरिका से और मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तो नाइस। बाकी आई थिंक आज आखिरी दिन है तो मैं भी थोड़ा सैड हूँ, बाकी लोग भी थोड़े सैड हैं, अब देखते हैं क्या होता है, अब तो कल जाना वापस पड़ेगा हमको, शायद केदारगंधा मैं मुझे दोबारा करना तो है ही, क्योंकि मुझे सबमिट तो करना है, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग एक छोटे मोटे YouTube पे आ जाओगे? अरे YouTube बहुत बड़ा है यार, छोटे मोटे में नहीं आएंगे, आ जाओ ना। हां मेरा तो छोटा है, गोकू ये देखिए, ये हमारे प्रोफेशनल ड्रैगन एग्जाम वाले लड़के हैं, ये लोग हैं, ये पुणे से हैं। ये भी पुणे से है, सॉरी वो वाले मुंबई से है, ये मुंबई वाले ये दोनों जो हैं मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंबई वाले हाथ ऊपर करो यार, महाराष्ट्र करो यार, पुणे वाले, ये हमारे मुंबई, मुंबई बेस्ट लोग, वो हमारे अमेरिकन, ये हमारे ट्रैक लीडर उत्तराखंड से, ये यूके और इनका, ये ये तो बेस्ट है हमारे लोकल्स, ये भी पुणे से एंड यूपी और मैं भी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माफिया गैंग तो माफिया इनकॉर्पोरेटेड फैमिली यहाँ पे ही है, सबसे क्यूटेस्ट लेकिन खतरनाक, मतलब एक भी गेम ऐसा नहीं है जो इन्होंने जीता ना हो, दोनों के दोनों सबको हरा दिया सारे सब। ओके सो अभी हम इतना ज़्यादा हमने पूरा एक्सप्लोर कराया है सांकरी वगैरह, और अब रात हो चुकी है, लग रहा है कि शायद हम कल जा सकते हैं अगर थोड़ा ओपन अप हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो
हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब वेदर कंडीशंस कैसी हैं, हमेशा ध्यान रखो आप कि आपकी वेदर कंडीशंस कैसी हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं, फिर उसके बाद ही कुछ भी प्री बुकिंग कराते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बुकिंग मिल जाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बुकिंग कराते हैं तो ऐसे जैसे हम मेरे साथ हुआ है वैसे भी हो सकता है। सो आई एम ट्रैवलिंग सोलो, लेकिन इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए, इतने सारे दोस्त मिल गए, क्रिएटिंग मेमोरीज और इतने सारे स्टोरीज। सो होपफुली कल जाएं, नहीं तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ जाएगा। बाकी मिलते हैं भाई आगे।